शुरुआत में हम नेहा को देखते हैं जो अपनी मदर से लड़ते हुए अपने रिच फादर के पास रहने के लिए जा रही है। नेहा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करती। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और अपने न्यू फादर और लाइफस्टाइल के बारे में बताने लगती है। तभी उसकी मुलाकात उसके स्टेप ब्रदर नीरज से होती है। वो नीरज से भी रूड तरीके से बात करने लगती है। ये देखकर उनका डॉग नेहा पर थूकने लगता है। नेहा डर जाती है और नीरज को आगे कर देती है। इसी बीच दोनों थोड़े से करीब आ जाते हैं। रात को सभी डिनर के लिए जा रहे होते हैं। डिनर करने के बाद नीरज को जरूरी काम आ जाता है और नेहा को भी घर जाने की जल्दी होती है, तो उनके फादर दोनों को एक साथ घर जाने के लिए कहते हैं। नेहा नीरज के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी मदर जबरदस्ती नीरज के साथ जाने के लिए कहती है। जब वो कार में जा रहे होते हैं तो नीरज काफ़ी बुरी तरह से ड्राइविंग करता है। ये देखकर नेहा कुछ बोल देती है, जिससे नीरज को गुस्सा आ जाता है और वो नेहा को कार से बाहर निकाल कर चला जाता है। कुछ देर बाद एक लड़का नेहा को लिफ्ट देता है जो उसी पार्टी में जा रहा है जहाँ पर नीरज पहले से ही मौजूद है, और वो नीरज को अच्छे से जानता है। पार्टी में पहुँचने के बाद नीरज को देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि नीरज लड़कियों के साथ साथ ड्रिंक भी कर रहा था। नीरज नेहा से पूछता है कि तुमको यहाँ पर कौन लेकर आया है, लेकिन नेहा उसे कुछ नहीं बताती और उनके बीच बहस हो जाती है। कुछ देर बाद एक लड़का ड्रिंक पर ड्रग्स लाकर नेहा को पिला रहा होता है। तभी नीरज वहाँ आकर उसे रोक लेता है। दो घूंट पीने की वजह से नेहा नशे में हो जाती है, तो नीरज उसे उठाकर बेडरूम में सुला देता है। अगले दिन नेहा पूछती है कि उसके साथ रात में क्या हुआ था, लेकिन नीरज उसके साथ फ्लर्ट करता है। फिर वो बीच पर जाते हैं जहाँ पर वो नीरज को देख रही होती है। शाम को नीरज कार रेसिंग में जाता है जहाँ पर नेहा बन ठन कर आती है। तभी नेहा के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस कर रहा होता है। ये देखकर नेहा को गुस्सा आता है। अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए वो एक लड़के के साथ किस वाली फ़ोटो लेने लगती है। तभी नीरज वहाँ आकर उसका फ़ोन छीन लेता है और सब देख लेता है। फिर नीरज खुद किस कर फ़ोटो खींचता है और नेहा के बॉयफ्रेंड को सेंड कर देता है। फ़ोटो लेने के बाद नीरज वहाँ से चला जाता है और पीछे से नेहा उसकी कार में बैठ जाती है। रेस चालू हो गई थी और अब उतर नहीं सकती थी, इसीलिए उसे रेस करनी पड़ती है। हालांकि बड़ी आसानी से वो रेस को जीत लेती है, लेकिन रूल के हिसाब से नीरज को ही रेस करनी थी, इसलिए नीरज वो रेस हार जाता है और उसे पैसे देने पड़ते हैं। नेहा पैसे देने के लिए मना करती है। तभी ओपोनेंट उससे उल्टा बोल देता है और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई देखकर नेहा बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके पास्ट में भी कुछ ऐसा कई बार हुआ था। नीरज नेहा को लेकर घर चला जाता है। अगले दिन नेहा को फ़ोन में धमकी आने लगती है। जब वो नीरज के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि नीरज दो दिन से घर नहीं आया है। यहाँ नीरज अपनी छोटी बहन से मिलने आया होता है। जब नीरज घर आता है तो नेहा उस टॉक के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। नीरज उसे बताता है कि वो अपनी छोटी बहन से मिलने गया था। इसी बीच वो दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन नीरज उसे दूर हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसकी मदर के साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ आता है, लेकिन नेहा को उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसके साथ चीट किया है। नेहा नीरज को अपने एक्स के सामने आने से रोकती है, क्योंकि उसके पास नेहा और नीरज की किस वाली फ़ोटो होती है। नेहा का एक्स उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन नेहा उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। तभी नीरज नेहा को पूल में खींच लेता है और रोमांस करने लगता है। वो नीरज को एक्स के सामने जाने से मना करते हैं, क्योंकि उसकी मदर को वो सब बता देगा। नेहा को फिर से एक धमकी मिलती है। नीरज एक पार्टी में होता है जहाँ उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जिससे कार रेसिंग में लड़ाई हुई थी। यहाँ इन दोनों की फाइट हो जाती है। फाइट के बाद नीरज घर जाता है और नेहा से मिलता है। नेहा नीरज का ब्लड साफ करने लगती है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। अगले दिन नीरज नेहा को एक जगह लेकर जाता है जहाँ नीरज फाइट करने वाला है। नेहा उसे फाइट करने से रोकती है, लेकिन नीरज नहीं मानता और फाइट करता है और जीत भी जाता है। बाहर जाकर वो नेहा को किसी और से बात करते हुए देखता है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है, उस लड़के को धक्का देता है। तब नेहा कहती है कि उसे डर लगता है। इसके बाद दोनों बात करना बंद कर देते हैं। बाद में नीरज के फादर उसे बताते हैं कि नेहा के फादर बहुत बेकार थे और उन्होंने बचपन में नेहा के साथ काफ़ी गलत किया है। नेहा के शरीर पर एक निशान भी है जो उसके डैड ने उसे दिया था। उसके डैड उसे मारने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। अभी वो जेल से बाहर आ गए हैं और अब तुमको नेहा का ख्याल रखना होगा। नीरज नेहा के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। सब कुछ वैसे ही चलने लगता है जैसे पहले रहा था। एक दिन नीरज के फादर दोनों को एक साथ बेड पर लेटे हुए देख लेते हैं। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन ये सब साइड में रखकर वो नीरज से कहते हैं कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनकर नीरज डर जाता है
नीरज और नेहा दोनों उसकी बहन से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। रात में बीच के किनारे दोनों गपागप भी करते हैं। वापस आते समय नीरज सामान लेने जाता है तो नेहा किडनैप हो जाती है। घर पहुंचते ही उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है। इसमें मत पता चलता है कि जिसने नेहा को किडनैप किया है वही उसके रियल फादर हैं। नेहा को वापस करने के लिए वो उनसे $1 मिलियन मांगते हैं। पैसे लेकर नीरज के मॉम डैड उसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उन्हें बुलाया था। तभी पुलिस उस कार को ट्रेस कर लेती है जिसमें नेहा है। ये बात नेहा के फादर को पता चल जाती है और वो नेहा को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और कार भी नेहा से चलवाते हैं। नीरज भी उनका पीछा करने लगता है और उनको फंसा लेता है। फिर दोनों इशारा करते हैं और एक पुलिस ऑफिसर नेहा के फादर को शूट करके मार देती है। फिल्म में ट्विस्ट तो यहाँ पर है कि उसके फादर और मदर की शादी हो गई है, जिसमें नेहा की मदर सब जान चुकी है और वो कहती है हमें ये सब होने से रोकना होगा। लेकिन नीरज और नेहा अभी भी एक साथ हैं। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और इसी के साथ मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है।